Next is chapter 12, Someone is Watching. Okay, now let's start with the story. Deepu lived with his uncle. Deepu jo hai wo apne uncle ke saath rehta tha. They had a hut at the back of a market. To jo main market tha, market ke piche hi inki ek choti si jhopdi thi. Deepu's uncle sold newspapers. Deepu ke jo uncle the wo newspaper becha karte the. When Deepu was about 10, he got a job in a shop. तो वो लोग बहुत गरीब थे, ठीक है. तो जब दीपू जब 10 साल का छोटा सा बच्चा था तो उसे एक दुकान में एक छोटा सा काम मिल गया. ही हैड टू डस्ट एंड क्लीन द शॉप एवरी मॉर्निंग. तो उसको काम क्या मिला था, उसे काम ये मिला था एक शॉप में, उस दुकान में उसको क्या करना था कि उसको उस दुकान में उसको डस्टिंग और सफाई का काम करना था. इन द डे टाइम ही हेल्प द शॉपकीपर. दिन के टाइम वो उस दुकान में काम करने जाता था, ठीक है. दीपू अंकल वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट. दीपू के अंकल को ये देख करके बहुत खुशी हुई कि दीपू काम कर रहा है. वन डे ही सेड वी आर पुअर. दीपू के अंकल कहते हैं कि दीपू के अंकल दीपू से कहते हैं कि हम लोग बहुत गरीब हैं. यू वर्क इन अ बिग शॉप. तुम इतने बड़े दुकान में काम करते हो. Why do you not steal things like money and food from the shop and bring them home? तो दीपू के जो अंकल हैं वो उसे गलत बातें सिखाते हैं. दीपू के अंकल दीपू से कहते हैं कि तुम इतने बड़े दुकान में काम कर रहे हो, क्यों नहीं तुम कुछ चीज़ें चुरा करके ले आते हो, जैसे कि पैसे या फिर खाने का सामान या फिर दूसरा कुछ. वी कैन मेक यूज़ ऑफ एनी थिंग बट मेक श्योर नोबडी इज़ वॉचिंग. तो दीपू के अंकल कहते हैं कि तुम कुछ भी ले आना, हम उससे काम चला लेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि सामान चोरी करते वक्त कोई तुमको ना देखे. नेक्स्ट डे ही आस्क्ड दीपू, डिड यू ब्रिंग एनीथिंग टुडे. तो दूसरे दिन जब दीपू दुकान से काम करके घर आता है तो दीपू के अंकल दीपू से पूछते हैं कि क्या आज तुम कुछ ले करके आए हो. नो सेड दीपू, समवन वॉज वॉचिंग. तो दीपू बोलता है नहीं, कोई देख रहा था. ओ सेड इज अंकल, यू डिड वेल नॉट टू ब्रिंग एनीथिंग. तो उसके अंकल बोलते हैं ओ अगर कोई देख रहा था तो अच्छा किया तुमने कुछ नहीं लाया. द सेकेंड डे ही आस्क्ड अगेन, डिड यू ब्रिंग एनीथिंग टुडे. दूसरे दिन फिर जब दीपू दुकान से काम करके घर आता है तो दीपू के अंकल फिर दीपू से पूछते हैं क्या तुम आज कुछ ले करके आए हो. नो सेड दीपू अगेन, समवन वॉज वॉचिंग. तो दीपू फिर बोलता है कि नहीं कोई देख रहा था. दिस वेंट ऑन फॉर मैनी डेज. और इसी तरह से कई दिनों तक चलता रहा और दीपू दुकान से चोरी करके नहीं लाता था और उसके अंकल रोज़ उसको पूछते थे और रोज़ दीपू बोलता था कि नहीं कोई मुझे देख रहा था. एट द एंड ऑफ अ वीक दीपूज अंकल गॉट वेरी एंग्री. फिर ऐसे कुछ दिनों तक चलते चलते दीपू के अंकल को दीपू पे बहुत गुस्सा आया. ही शाउटेड व्हाट डू यू मीन बाय इट, हु वाज वाचिंग. तो दीपू के अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, फिर दीपू से पूछते हैं क्या मतलब है तुम्हारा, कौन देख रहा था तुम्हें. गॉड सेड दीपू, ही वॉचेज अस ऑल द टाइम. तो दीपू बोलता है कि भगवान मुझे देख रहे थे. और जो भगवान होते हैं, जो गॉड होते हैं, वो हमेशा हम पे नज़र रखते हैं और हमेशा देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. एट दिस दीपूज अंकल हंग हिज हेड इन शेम. तो दीपू की ये बात सुनकर के उसके अंकल को शर्म आ गई और शर्म से उसने अपनी सर झुका लिया. नेवर अगेन डिड ही थिंक ऑफ स्टीलिंग एनी थिंग. ही बिकेम एन ऑनेस्ट मैन. उसके बाद से उसके अंकल ने कभी भी चोरी नहीं की और कभी भी उन्होंने दीपू से चोरी करने के लिए नहीं कहा और वो एक बहुत ही ईमानदार आदमी बन गए. ओके, एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही ऑनेस्ट मैन हो गए. ओके, सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी बिकॉज दीपू ही न्यू दैट वॉट एवर वी आर डूइंग, मे बी द मैन इज़ नॉट वॉचिंग बट गॉड इज़ वॉचिंग. हम जो भी करते हैं, हो सकता है आसपास हमारे कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान जो है वो हमेशा हम पर नज़र रखते हैं और हमेशा देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है. सो इवन इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट वॉचिंग बट गॉड इज़ वॉचिंग एवरी टाइम एवरी थिंग. तो गॉड जो है वो हमेशा हर चीज़ पर नज़र रखते हैं. सो दैट्स वाई दीपू सेड दैट गॉड वॉज वॉचिंग. एंड आफ्टर दैट हिज अंकल ऑल्सो टर्न इन टू अ ऑनेस्ट मैन. तो दीपू के अंकल को भी बहुत शर्म आई कि वो दीपू को इतनी गलत बातें सिखा रहे थे और फिर उन्होंने भी कभी भी दीपू को चोरी करने जैसी बात नहीं बोली और फिर वो एक बहुत ही ईमानदार आदमी बन गए. ही ऑल्सो बिकेम एन ऑनेस्ट मैन.